तो दोस्तों जियो सिनेमा पर फरदीन खान और रितेश देशमुख की एक न्यू मूवी को रिलीज किया गया है जिसका नाम है विस्फोट। एंड लिटरली क्या मूवी थी, आई मीन शुरू से एंड तक आपको एकदम हुक करके रखती है एंड इसका जो क्लाइमेक्स है आई मीन कमाल का है। वेल इस मूवी की थोड़ी सी प्लॉट के बारे में जान लेते हैं जिसमें हमें फरदीन खान दिखाए जाते हैं एज सोहेब के रोल में, जो पहले ड्रग सप्लीमेंट का काम करता था लेकिन अब वो काम छोड़कर टैक्सी ड्राइवर बन चुका होता है। लेकिन इसकी स्टोरी में ट्विस्ट तब आती है जब ये एक दिन अपने दोस्त के कार में बैठकर बात कर रहा होता है लेकिन उसी कार के अंदर उसका दोस्त 2 करोड़ का ड्रग्स चुराया होता है। लेकिन अचानक से वहां पर पुलिस आ जाती है एंड वो उसी बीच वहां से वो ड्रग्स को उसी कार में छोड़कर सोहेब के पास भाग जाता है। लेकिन उसका दोस्त उसी गाड़ी के अंदर सोहेब को वो ड्रग्स सौंप देता है एंड वो बोलता है कि अगले दिन मैं जब जेल से छूट कर आऊँगा तो वो ड्रग्स तुमसे लूँगा। एंड लिटरली पुलिस उसको पकड़ ली होती है लेकिन वो ड्रग्स सोहेब के पास होता है। लेकिन उसके बाद जो स्टोरी में हेरा फेरी होती है वो देखने लायक होती है। एंड उसके बाद सोहेब उस ड्रग्स से भरे हुए जैकेट को अपने साथ घर लाता है एंड उसके अगले दिन जो कारनामे घटते हैं ये मूवी की पूरी स्टोरी ही चेंज हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि सोहेब अपने गर्लफ्रेंड के घर पर आराम से ऐश कर रहा होता है लेकिन उसके खुद के घर पर आग लग चुकी होती है। एंड जब ये खबर सुनकर सोहेब अपने घर आता है तो वो देखता है कि जो जैकेट के अंदर 2 करोड़ की ड्रग्स थी वो उसके घर से गायब हो चुकी होती है। आखिर वो जैकेट सोहेब के घर से कौन ले गया है या फिर वो आग के सहित ही जल चुकी है, जिसमें हम दूसरी तरफ देखते हैं रितेश देशमुख को एज आकाश के रोल में, जो एरोप्लेन पायलट का काम करते हैं और साथ ही एक फादर और एक हस्बैंड भी है। लेकिन इनकी लाइफ की प्रॉब्लम है तब क्रिएट होने लगती है जब इनकी वाइफ का अफेयर किसी दूसरे मर्द के साथ चल रहा होता है एंड इसी अफेयर को पकड़ने के लिए वो अपने बेटे को एक शॉप के पास छोड़ कर जाते हैं लेकिन वो बेटा उस शॉप से गायब हो चुका होता है। आखिर कैसे, मेन ट्विस्ट तो यही है। वेल अब इसकी हाथ से इसकी पत्नी भी गई और साथ ही इसका बच्चा भी गया। वेल थोड़ा सा गौर करना क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ स्टोरी यहीं पे कनेक्ट होती है। वेल जिस शॉप के अंदर आकाश अपने बेटे को सौंप कर आया था जिस लड़की के साथ, वो लड़की असल में सोहेब की गर्लफ्रेंड होती है एंड सोहेब के घर पे वो गुंडे आ जाते हैं जिनके 2 करोड़ का माल मिसिंग होता है और अब सोहेब और उसकी फैमिली इन गुंडों के अंडर होती है एंड इन्हीं के साथ आकाश का बेटा भी इनके साथ फंस जाता है, जिसके बाद कैसे सोहेब इस बच्चे का इस्तेमाल करता है एंड वो 2 करोड़ की ड्रग्स को इसी लड़के के बाप से निकलवाता है एंड अब आकाश कैसे 2 करोड़ रुपयों की इंतजाम करता है वेल मूवी देखने के बाद ही पता चलता है। वेल मूवी के अंदर आपको बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो इस मूवी की स्टोरी को और भी ज़्यादा ग्रिपिंग बनाती है। वेल इस मूवी के अंदर आपको हर एक एक्टर की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड स्पेशली फरीद खान जो कि 12 साल बाद फिल्मी इंडस्ट्री में कम बैक कर रहे हैं। वेल इनकी एक्टिंग तो एकदम टॉप नॉच की है एंड दी अदर गाय रितेश देशमुख, भाई इस एक्टर की जितनी तुम तारीफ कर लो कम है। इनकी जो परफॉर्मेंस थी स्टार्टिंग ऑफ दी मूवी से लेकर एंडिंग तक एकदम कमाल की थी भाई, आपको हुक करके रखते हैं, आपको वो टेंस देते हैं, आपको वो सिचुएशन वाली मोमेंट्स क्रिएट करके देते हैं जो एक फिल्म में चाहिए होता है, क्योंकि इनकी पत्नी भी इनको छोड़ने वाली है और साथ ही इनका बेटा गायब हो चुका होता है। वेल स्पेशल मैं इस विलन को मेंशन करना चाहता हूँ जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आई मीन भाई क्या एक्टिंग की है, एकदम धांसू की है, एकदम कमाल की है। एंड जो ये वुमन वाली बाई लेकर आए हैं मूवी में वो भी थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि मैंने सोचा था सर कोई एक विलन होगा इसका जो कम्युनिटी होगी बहुत बड़ी होगी, लेकिन छोटा मोटा ये कम्युनिटी है बट उतना ज़्यादा है आपको फील करा सकती है डर। लेकिन ये मूवी सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर पर फोकस नहीं करती है बल्कि बहुत से ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनका इस मूवी में रोल बहुत ही खास है, जिसमें हम बाई को देखते हैं, पुलिस को देखते हैं और भी कई सारे एक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग साइड रोल में देखते हैं। बट बाय द वे मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग है तो आपको ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। बाय द वे आप ये मूवी अपनी फैमिली के साथ देखकर नहीं एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कुछ न्यूड सीन देखने को मिल सकती है, आई मीन थोड़ी सी देखने को मिल सकती है लेकिन उसको स्किप करना शायद ना आपके बस की बात है ना ही मेरे बस की बात है। सो आप इस मूवी को आप अकेले देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ देखें, फैमिली के साथ मत देखना भाई। वेल अभी की रिव्यू हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, कैसी लगी ये रिव्यू आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वेल हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, बाय।